हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे, क्या मनी इन द बैंक 2020 में रॉ टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड होगी? अगर डिफेंड होगी तो क्या वाइकिंग रेडर्स के बीच में हमें मैच देखने को मिलेगा, यानी कि वाइकिंग रेडर्स वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में मैच हमें देखने को मिलेगा? और इस मैच के रिगार्डिंग क्या न्यूज आई है फ्रेंड्स, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को देखो लास्ट तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। तो चलिए सवाल वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम कि अभी से कुछ वीक पहले हमें बियंका बिलर का डेब्यू देखने को मिलता है और उनके हस्बैंड भी रहते हैं, यानी कि स्टेट प्रॉफिट्स के मेंबर मोंटेस फोर्ड भी रहते हैं उनके हस्बैंड, और ये मैच हमें देखने को मिलता है, यानी कि एक मिक्स टैग टीम मैच देखने को मिलता है। और अभी उनका ओपोनेंट रिवील नहीं हो रहा कि उनको ओपोनेंट कौन फेस करेगा मनी इन द बैंक 2020 में, लेकिन फ्रेंड्स अभी पीडब्ल्यू इंसाइडर की तरफ से ये न्यूज़ आई है कि ऐसा हमें देखने को मिल सकता है कि वाइकिंग रेडर्स उनके ओपोनेंट हो, यानी कि मनी इन द बैंक 2020 में ऐसा मैच हमें देखने को मिल सकता है वाइकिंग रेडर्स वर्सेज स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में फॉर द रॉ टैग टीम चैंपियनशिप। और जैसा कि आपको मालूम कि अभी से इस वीक वाले मंडे नाइट रॉ में, यानी कि जो इससे पहले वाला मंडे नाइट रॉ हुआ था, उसमें हमें उनका रिटर्न देखने को मिलता है और वो फेस करते हैं सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड रिकोशे को। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये भी रूमर चल रहे थे कि सेड्रिक अलेक्जेंडर और रिकोशे फेस करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वाइकिंग रेडर्स फेस करेंगे, क्योंकि WWE अभी उनका रिटर्न करवाई है, तो रिटर्न सुपरस्टार यानी कि रिटर्न टैग टीम को कुछ ज़्यादा ही पुश मिलेगा। और ऐसा हो सकता है कि ये मैच हमें देखने को मिल सकता है, और PW इंसाइडर ने अभी ये कंफर्म कर ही दिया है, क्योंकि आप फ्रेंड्स PW इंसाइडर को कम मत समझिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी इनके रिगार्डिंग सोर्स आती है वो हमेशा एक्यूरेट रहती है और इनका सोर्स हमेशा सही होता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये दोनों टैग टीम के बीच में ये मैच हमें देखने को मिलता है मनी इन द बैंक 2020 में, तो काफ़ी मजा आने वाला है, क्योंकि आप पास्ट में इन दोनों के राइवलरी उठा के देख लीजिएगा, ये लोग काफ़ी चीज़ अचीव कर चुके हैं और काफ़ी अच्छी रेसलिंग करते हैं ये दोनों टीम, तो काफ़ी अच्छा ये भी मैच हमें देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स अभी यही न्यूज़ आई थी कि ये मैच हमें देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताएं कि इस दोनों टैग टीम से कौन सा टैग टीम के सबसे ज़्यादा जीतने के चांस है, या हमें न्यू रॉ टैग टीम चैंपियंस देखने को मिलेंगे या स्ट्रीट प्रॉफिट्स रिटेन कर लेंगे, आप मुझे ये कमेंट में लिख के जरूर बताएं। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने मनी इन द बैंक 2020 की ड्रीम मैच कार्ड की वीडियो बना दी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रो रेसलिंग से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले अपने चैनल पर देते हैं। तो पीस आउट फ्रेंड्स।